लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सोमवार यानी 29 जनवरी को आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ की। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी थी। ये जमीन मार्केट रेट से बहुत कम दाम पर खरीदी गई थी। इसी मामले में लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की और अभी भी कर रही है। आपको बता दें, 10 घंटे की पूछताछ में लालू यादव से ईडी ने 70 से ज्यादा सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब लालू यादव ने हाँ और ना में दिए और कई सवालों के जवाब के लिए उन्होंने 1 से 1.5 मिनट का समय भी मांगा। ज्यादातर सवाल जमीन और फ्लैट के बारे में ही हैं कि जमीन कहाँ से मिली, कैसे मिली। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल भी पूछे गए। एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसे 2 लोगों ने बहुत सस्ते दाम पर जमीन बेची थी। उन लोगों को नौकरी मिली, इस तरह के तमाम सवाल लालू यादव से पूछताछ में पूछे गए हैं। आइए जानते हैं लालू यादव से ईडी ने क्या क्या पूछा। हम एक एक करके आपको सारे सवाल बताएंगे, तो आइए सवालों की ओर बढ़ते हैं। नौकरी देने के बदले कितने लोगों से जमीन ली गई? पटना के मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैटों की खरीद और बिक्री कैसे हुई? पटना में 1 लाख वर्ग फुट की जमीन की खरीद फरोख्त के ब्यूरो कहाँ हैं? दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जमीन खरीद की डिटेल कहाँ है? एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन की डिटेल कहाँ है? क्या ये सच है कि एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने वाले के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई थी? अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदे गए, क्या ये सच है? रावड़ी देवी ने 7.5 लाख में जमीन खरीदी और फिर 3 करोड़ में बेची, क्या ये सच है? इसी के साथ आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव की पत्नी, बेटा और बेटी समेत कई सहयोगी आरोपी हैं। इस मामले में लालू यादव की पत्नी रावड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। ईडी ने कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया। इस मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। ईडी की चार्ट शीट के मुताबिक लालू यादव के परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। परिवार पर करीब 600 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप है। आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवा ली गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।